नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M12GK देख रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम दिव्यांगजनों विद्यार्थियों को जो बिहार शिक्षक बहाली में इस साल बैठने वाले हैं, अगस्त में 7वां चरण में BPSC के द्वारा जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसमें एग्ज़ाम आप दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा उम्मीद है। तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि क्या दिव्यांग स्पेशल दिव्यांगजनों के लिए, जो विकलांगजन है उनके लिए बात करेंगे कि उन लोगों का कट ऑफ क्या जाने का उम्मीद है अभी तक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा वो अपने अनुभव और आपसे बातचीत जो मैं किया हूँ दिव्यांगजनों से रिलेटेड, उन्हीं के आधार पर बताऊंगा। या सरकार की तरफ से नहीं आई है या BPSC की तरफ से नहीं आया है, यह मेरा अपना अनुभव है और आप लोग से जो सर्वे कराया था उसके अनुभव पर बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि देखिए, कट ऑफ का निर्धारण एग्जाम बाद होता है। एग्जाम में कई किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, हार्ड है, स्लो है, मीडियम तरह के प्रश्न हैं, उसमें कितने दिव्यांगजन अटेम्प्ट किए, कितने प्रश्न किए, इस तरह का डाटा जब आता है तो सटीक एक जो है सो कट ऑफ निकालने में उम्मीद में अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे, मैसेज थे कि सर स्पेशल दिव्यांगजनों का कट ऑफ क्या जाएगा, उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन इस मेरे पर ब्लेम नहीं डालिएगा, सर आपने यह कट ऑफ बताया था और यह चला गया। तो देखिए, जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ अपने अनुभव पर, आप लोग से तमाम लोगों से बातचीत किया हूँ उसके अनुभव पर मैं अपना कट ऑफ बता रहा हूँ। देखिए, इस साल 2 अगस्त में एग्जाम होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें OH, VH, HH और MD चार तरह के दिव्यांगता कैटेगरी है और 4% से आरक्षण भी मिलता है। तो 1% VH, OH वालों को परसेंट मिलता है, 1% VH वालों को मिलता है, 1% HH वालों को मिलता है और 1% MD वालों को मिलता है। क्या तो आरक्षण कुल मिलाकर 4 प्रकार की दिव्यांगता कैटेगरी बांटी गई है और सभी को 1% आरक्षण का लाभ दिया जाता है और यह होरिजेंटल आरक्षण है। आपको अपने जाति में ही आरक्षण मिलता है, अलग से आपका कोई सीट नहीं है। आपका जो OBC है और OBC में 50 सीट है और OBC में आप दिव्यांग हैं तो उसी 50 सीट में से एक सीट आपको दिया जाता है, न कि आपके लिए एक अलग से सीट निकाली जाती है, ऐसी नहीं है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का यही एक कमी है कि आपके अपने कैटेगरी में ही आपको आरक्षण दी जाती है, किसी अन्य कैटेगरी में नहीं दी जाएगी। दूसरी बात कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा OH वालों को जाता है। OH में ऑर्थोपेडिक जो हाथ से हैं, पैर से हैं, हड्डी से दिव्यांग हैं, रीढ़ के हड्डी से हैं, चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, जिनका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, दोनों हाथों की अंगुली नहीं है, पैर की अंगुली कटा हुआ, यानी हड्डी विशेषक ऑर्थोपेडिक लोकोमोटिव डिसेबिलिटी चलत दिव्यांगता से जो दिव्यांग है उनका कटअप बहुत अधिक जाता है। उसके बाद VH कैटेगरी का है, VH का उनसे थोड़ा सा कम जाता है। उसके बाद HH कैटेगरी का है, इसमें जो है सो VH से अधिक और OH से कम जाता है कट ऑफ। और सबसे कम कट ऑफ जाता है MD कैटेगरी का, यानी मल्टी डिसेबल कैटेगरी, जिसमें एक से ज़्यादा डिसेबल हो विकलांगता, यानी बहुत दिव्यांगता। तो सबसे पहले बहु दिव्यांगता के कट ऑफ के बारे में ही जान लेते हैं। देखिए, बहु दिव्यांगता MD कैटेगरी का कट ऑफ 40+ और 50 के बीच में जाने का उम्मीद है, 40 और 50 जाने का उम्मीद है। उसके बाद HH का जो कट ऑफ जाने का उम्मीद है वह 55+, यानी 55+ नंबर आपका अभी का सेट बना रहे हैं उसमें आ रहा है। तो समझ लीजिए कि अभी 20 दिन है, 20 दिन में और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, करंट अफेयर का तैयारी कीजिएगा तो 5 नंबर बढ़ ही जाएगा और वहाँ हो सकता है कि 60, 62, 65 मार कराएं, जितना मारे आप उसके हिसाब से। लेकिन अभी अगर 55+ नंबर आ रहा है तो समझिए कि आपका रिजल्ट बनने का चांस है। उसके बाद VH वालों को, VH वाला का 50 नंबर आ रहा है सेट में, किसी भी सेट में 50+, तो समझिए कि आपका रिजल्ट बनने का चांस है, कट ऑफ इसी के आसपास में जाने का उम्मीद भी है। और सबसे अधिक बार पूछा गया है हमसे कि OH लोगों का क्या है, सबसे अधिक कैटेगरी OH में ही है और उनका जो सीट भी कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं
और आरक्षण सिर्फ 1% ही है ओएच वालों का, और ऐसे तो विकलांगता आरक्षण 4% है लेकिन सबका बांटा हुआ है, इस तरह से ओएच का 1% आरक्षण मिलता है और उसमें सबसे अधिक विद्यार्थी इसी में है और इन लोग में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो इन लोगों का कट ऑफ जाने का उम्मीद है 65+, यानी 65 नंबर से अधिक कट ऑफ आ रहा है, नंबर आ रहा है किसी भी सेट बना रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके रिजल्ट आने का उम्मीद है और मेहनत कीजिए जो है सो। इसके बाद विस्तृत कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के बाद, एग्जाम होने दीजिए, एग्जाम होने के बाद मैं एक सर्वे करूंगा आप सभी दिव्यांगजनों का, उसमें आप लोग भाग लीजिएगा, उसके बाद क्या कट ऑफ जाएगा एग्जैक्ट जो कट ऑफ जाने का है वो मैं आपको बताऊंगा। तत्काल में यह कट ऑफ बता दिया हूँ ताकि आपको संतुष्टि मिले, मोटिवेट हो आप और अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।